गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गया है वायरलेस माउस और मल्टीपल यूएसबी कनेक्टर फ्लिपकार्ट से। माउस पड़ा है 299 का और सी कनेक्टर करीब 150 रुपये का पड़ा है। तो इनकी अनबॉक्सिंग आज हम कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, पहले हम कनेक्टर की करेंगे। तो इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यह है कनेक्टर, सी टू मल्टीपल यूएसबी कनेक्टर है ये। इसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 1999 रुपीज़ इसमें प्राइस डला हुआ है। ओके, क्वांटिटी एक है और बाकी इसे ओपन करके देख लेते हैं। ओके, इसके साथ ये क्या है, फीडबैक के लिए इन्होंने हेलो बोला है। बेस्टर का ये कनेक्टर है। ये देखिए बेस्टर, ये 3-4 यूएसबी इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। ये सी टाइप इसमें कनेक्ट करके इसे हम मैकबुक में इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके थंडरबोल्ट है, इसमें हम इंसर्ट कर लेंगे। ये इंसर्ट हो गई है। ओके, तो ओके, अब दूसरा वाला पैक ओपन करते हैं। इसमें है माउस, ये माउस है पोर्ट्रॉनिक्स का, टॉड 13 वायरलेस माउस। इसका जो प्राइस इसमें लिखा हुआ है, पोर्ट्रॉनिक्स टॉड 13 499 रुपीज, बट ये पड़ा है 299 में फ्लिपकार्ट के थ्रू। इसको भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओके, वाइट माउस है, इसमें दो ऑप्शन का ऑप्शन है, एक ब्लैक और एक वाइट। तो मैंने वाइट वाला मंगाया हुआ है। ये देखिए, ये है वाइट माउस। इसमें सेल डलेगा, नैनो रिसीवर इनसाइड, इसमें एक रिसीवर भी मिलेगा हमको, नैनो रिसीवर इसके अंदर। और ऑन और ऑफ की बटन दी गई है इसमें। ये देखिए, यहाँ पर सेल डलेगा और यहाँ पर ये नैनो रिसीवर दिया गया है। तो इसमें हमको सेल लेना पड़ेगा, इसमें सेल नहीं दिया गया है।
ओके, तो सेल लेना पड़ेगा और फिर सेल इसमें डालना पड़ेगा। तो हम सेल ले आते हैं, तो सेल हम ले आए हैं एवरेडी का। अब इसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे। ये देखिए डायरेक्ट चालू हो गया। इसमें ऑन ऑफ की बटन है और इसमें ये रिसीवर है। इस रिसीवर को हमें लगाना होगा कहाँ, इसमें जो मैकबुक में ये कनेक्टर लगा हुआ है इसमें। ये हमने लगा दिया है और इसमें कीबोर्ड सेटअप असिस्टेंट का ऑप्शन आया है। कंटिन्यू करेंगे। इसमें कीबोर्ड का बता रहा है बट हम कीबोर्ड नहीं माउस यूज कर रहे हैं। शिफ्ट प्रेस द की इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द शिफ्ट की ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। ये शिफ्ट है, इसका ये है। तो इसमें एक्चुअली ये राइट राइट ऑफ द शिफ्ट की, शिफ्ट ये है, इसका राइट ये है, बट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। चलिए मैं माउस को ऑन कर लेता हूँ। ये माउस ऑन हो चुका है, ये देखिए। ये माउस वर्क करने लगा है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। ओके, तो कीबोर्ड भी इससे कनेक्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए इसे ऑन कर लेंगे। ये कीबोर्ड ऑन हो चुका है, माउस भी ऑन हो चुका है। अब ये देखिए हाइड्रा का, टेन 3.0 ये कनेक्ट हो चुका है। इसमें कुछ टाइप करके देख लेते हैं। ओके, फ्लटर यूट्यूब। ओके, ये देखिए परफेक्ट वर्क कर रहा है। सो एक्सपीरियंस अच्छा है इसका। स्क्रॉल भी परफेक्ट वर्क कर रहा है। ओके, सो बहुत अच्छा माउस है और कीबोर्ड भी बड़ा अच्छा है। फोटोनिक्स का मैंने कल वीडियो डाली थी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये माउस ये भी फोटोनिक्स का है, टूड 13। ये हाइड्रा 10 का कीबोर्ड है,
और ये मैकबुक प्रो है। तो और ये जो है बेस्टर का कनेक्टर है, डोंगल के थ्रू कनेक्ट किया है। इस कीबोर्ड को आप ब्लूटूथ के थ्रू या आरएफ रिसीवर के थ्रू या फिर डायरेक्ट केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।